राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इसका प्रभाव जातक के जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। यदि जातक पर सकारात्मक प्रभाव पड़े तो जातक को समस्त गुणों का स्वामी भी बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर जातक को मानसिक और शारीरिक रूप से हानि पहुंचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहु और केतु एक ही शरीर के दो अभिन्न अंग हैं? तो आइए इस वीडियो में इसी विषय में चर्चा करते हैं कि राहु और केतु कैसे बने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उस दौरान समुद्र से कुल 14 रत्न निकले, जिसमें से एक था अमृत कलश। अमृत कलश को भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए। देवता और राक्षस दोनों को ही पता था कि जो भी इसकी एक बूंद पिएगा वह अमर हो जाएगा, इसलिए अमृत कलश के लिए छीना झपटी हुई और इस दौरान अमृत की चार बूंदें गिर गई और ये चार बूंदें हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में गिरी। सभी लोग अमर होने के लिए अमृत पान करना चाहते थे, लेकिन यदि राक्षस अमृत का पान कर लेते तो इससे संसार का विनाश हो जाता। फिर भगवान विष्णु ने राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया और अमृत कलश को अपने पास रखा। मोहिनी अवतार ने एक तरफ दानवों को तो दूसरी तरफ राक्षसों को बिठाया और देवताओं को अमृत देने लगे और राक्षसों को पानी देने लगे। लेकिन वहीं उनमें से एक स्वर्ण भानु नाम का राक्षस था, जिसे पहले से ही आभास हो गया था कि मोहिनी अवतार के द्वारा राक्षसों के साथ छल किया जा रहा है। इसलिए स्वर्ण भानु पहले ही देवताओं के रूप में आकर देवताओं के साथ एक पंक्ति में बैठ गया। लेकिन जैसे ही मोहिनी अवतार ने राक्षस को अमृत पिलाया तो सूर्य और चंद्रमा को आभास हो गया कि ये देवता नहीं है और उन्होंने ये बात मोहिनी अवतार को बताई। लेकिन तब तक अमृत की एक बूंद स्वर्ण भानु के गले में पहुंच चुकी थी और फिर मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। शरीर के दो हिस्से तो हो गए, लेकिन अमृत पान के कारण सिर वाला हिस्सा बना राहु और धड़ वाला बना केतु और दोनों ही हमेशा के लिए अमर हो गए। तो इस तरह से एक ही शरीर के दो राहु और केतु का जन्म हुआ। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने राहु को शरीर देने के लिए उसमें सांप का शरीर लगाया और केतु के लिए सिर। इसलिए आपने कुछ तस्वीरों में राहु के सिर और धड़ में सांप की तस्वीर जरूर देखी होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि सूर्य और चंद्र राहु केतु के दुश्मन क्यों हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब स्वर्ण भानु देवताओं के साथ बैठा तो सूर्य और चंद्रमा को इस बात की खबर लग गई। इसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी विष्णु भगवान को दी। स्वर्ण भानु के दो हिस्से होने के बाद राहु और केतु बने और दोनों ही फिर चंद्रमा और सूर्य से बैर खाने लगे। इसलिए कहा जाता है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन से निकले अमृत के लिए राहु और केतु बने। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।